तो रीबल सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म स्प्लिट को लेकर एक जबरदस्त अपडेट आई है। जी हां, आपको पता है स्प्लिट प्रभास की एक फिल्म आने वाली जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार है। वो सुनने में आ रहा था कि वो फिल्म पोस्टपोन हो गई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को सलाम, मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष स्मूथ खान। तो डार्लिंग प्रभास की एक फिल्म आ रही है स्प्लिट, जिसको डायरेक्ट करने वाले थे संदीप रेड्डी वांगा। और मैं ये बोल रहा हूं अभी लेटेस्ट सलमान प्रभास की फिल्म कल्की ने कमाल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जबरदस्त। और प्रभास का स्टार्टअप यार तगड़ा है, खतरनाक है यार। तो उसकी जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड में था वो फिल्म देखने के लिए वो स्प्लिट, क्योंकि उसमें जो संदीप रेड्डी वांगा प्रभास जैसे सुपर पैन स्टार को अगर डायरेक्ट करेगा बंदा तो किस लेवल पे करेगा यार, वो भी कमाल और धमाल होने वाला है यार। तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। तो ये रिपोर्ट्स बीच में आ रही थी कि स्प्लिट हो सकता है पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि जूम के एक इंटरव्यू जो कि शायद कल का है, इसमें ये बोला गया है कि संदीप रेड्डी वांगा से पूछा गया है क्या ये फिल्म आपने पोस्टपोन कर दी है क्योंकि आप कोई दूसरे एक्टर के साथ फिल्म कर रहे हैं, इसको होल्ड पे रख दिया है। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने स्क्रिप्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है स्प्लिट प्रभास की फिल्म, जिसपे साल दो साल लगेंगे क्योंकि इसकी शूटिंग जो आप सितंबर से स्टार्ट होने वाली थी 2024 से, बट अनफॉर्चुनेटली ये होगी नहीं, वो पिछले साल से होगी। तो दो साल लगेंगे, उसके बाद वो दो साल एनिमल पार्क को देंगे। तो क्लियर है कि स्प्लिट आने वाली, इसमें एक सुपर कॉप का रोल करते हुए नजर आएंगे प्रभास, जो कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाएगा जबरदस्त तरीके से। प्रभास ईमानदार पुलिस ऑफिसर में जबरदस्त धमाका और तहलका मचाएंगे फिल्म के अंदर, और वो गजब का बैलेंस जो है वो तो बाप यार, वो इस रोल में अगर वो आएगा और आतंक मचाने पे प्रभास आएगा तो सोचो क्या कहर बरसाएगा यार बॉक्स ऑफिस पर। प्रभास खतरनाक है यार, जबरदस्त है यार, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन ही इतनी कमाल की होती है कि बस नाम आ जाए कि प्रभास का टीजर आ रहा है, ट्रेलर आ रहा है या फिल्म आ रही है, वो तो एक हिस्ट्री क्रिएट कर देती है। ये फैन फॉलोइंग प्रभास की है यार, इसमें कोई डाउट है नहीं। एक चीज में बता दो यार, स्प्लिट को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, बहुत ज्यादा। और ये फिल्म को लेकर मैं जब मैंने सुना था ना, तो मुझे बहुत बड़ा वो लगा था यार ये फिल्म रुक क्यों गई, लेकिन डेढ़ दो साल बोला है कि वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रभास भी पता है कि राजा साहेब आएगी उसकी शूटिंग पे व्यस्त हो जाएंगे, फिर उसके बाद सलार 2 का नाम आ रहा है कि उस पे भी लग जाएंगे, तो हो सकता है उसके बाद स्प्लिट के ऊपर वो काम करें। बट कंटिन्यू काम करते रहिए, हम चाहते हैं यार, और क्या चाहते हैं यार, है कि नहीं। आप कितना एक्साइटेड हो स्प्लिट को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।